हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सैंड की क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हो। दोस्तों, सैंड की क्वालिटी चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है सिल्ट कंटेंट। दोस्तों, वैसे तो एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें से सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है, ठीक है, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, आप मैनुअली कर सकते हो। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए और एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए। आपको बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जैसे एपकेट हो गया, एलएनटी हो गया, गेट हो गया, इन सारी चीजों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि सील कंटेंट टेस्ट कैसे करते हैं और इसका मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि सील कंटेंट फाइंड कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसकी प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों, ये जो छोटा सा जो देख रहे हो यहाँ पे 2 mm के लगभग है, ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो काला काला सा छोटा सा दिख रहा होगा, ठीक है, काला 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 पतला जो परत ये भी दिख रहा है, ठीक है, यही है सील्ड कंटेंट। दोस्तों, ये फाइंड करने के लिए आपको स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। 100 ml वाटर लेना है, ठीक है, जैसे देख सकते हो यहाँ पर 100 ml वाटर लेना है और 100 ml सैंड लेना है, जो सैंड आप जिस सैंड के आप सील्ड कंटेंट फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, वो सैंड लेना है। और आपको इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं डालना, ठीक है, वैसे तो NaCl डालने बोलता है प्रोसेस, लेकिन आपको करना क्या है आपको बताने वाला हूँ, वो आप कहीं भी घर में आपको मिल जाएगा, किसी दुकान में मिल जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, एक साल्ट का पैकेट ले लेना है, ठीक है, उसमें से आपको थोड़ा सा आधा चम्मच या एक चम्मच साल्ट आपको इसमें मिला देना है, ठीक है, मिलाने के बाद इसको अच्छे से सेक कर देना है। सेक करने के बाद दोस्तों इसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ देना है। जैसे 3-4 घंटे के लिए छोड़ दोगे, फिर से जब आप यहाँ पे आके इसको चेक करोगे, आपको यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर एक परत आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो काला काला दिख रहा है यही है सील्ड कंटेंट, ठीक है। तो अब मैं आपको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बताता हूँ। सील्ड कंटेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सील्ड कंटेंट इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सील्ड V1, यहां पर आप देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सील्ड V1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंड V2। वॉल्यूम ऑफ सैंड कौन सा, जो सील्ड कंटेंट के बाद जो बच रहा है उसका, इंटू 100। यहां पर मेरा वॉल्यूम ऑफ सील्ड जो है वो है 2 mm, देख सकते हो यहां पर आप देख सकते हो 2 mm है, डिवाइड बाय टोटल जो मेरा सैंड था वो है 100, उसमें से 2 तो सील्ड हो गया, ठीक है, कितना बचा 98। हम इसको कर देते हैं 98 × 100, तो ये आ जाएगा मेरे पास, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आ रहा है 2.04%। तो प्रॉब्लम ये आता है कि ये सैंड अच्छा क्वालिटी का है, इसको हम साइड पर यूज कर सकते हैं कि इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों IS 2386 है, इनका कहना है कि अगर सील्ड कंटेंट 8% से नीचे है, यानी कि 8% से कम है, तो ये सैंड गुड क्वालिटी का है, इसको हम इजिली कंस्ट्रक्शन साइड में कंक्रीटिंग के लिए ये सैंड को हम यूज कर सकते हैं, IS कोड का ये कहना है। तो जो मेरा रिजल्ट आया है वो है 2.04%, यानी कि दोस्तों इसको हम साइड पे यूज कर सकते हैं, यानी कि ये जो मेरा सैंड है वो गुड क्वालिटी का है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, जो मैं आपको सील्ड कंटेंट का फॉर्मूला बताया हूँ, V1/V2 × 100, वेयर V1 इज द वॉल्यूम ऑफ सील्ड एंड V2 इज द वॉल्यूम ऑफ सैंड। आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल भी मैंने आपको एक लेके बता दिया है। अगर समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको साइट में प्रैक्टिकल का कौन सा टेस्ट आपको चाहिए, मैं उस टेस्ट का वीडियो मैं आपको बना के अपलोड कर दूंगा, वो भी पूरा फ्री में। थैंक यू दोस्तों।